दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। कभी भी आप उसे बना कर के खा सकते हैं। तो चलिए हम सामग्री देख लेते हैं। तो 400 ग्राम हमने चावल लिए हैं, ये हमारे घर के चावल है, हमारे खेत में होते हैं वो वाले हैं। अगर आप मार्केट से चावल ले रहे हैं तो आप बासमती चावल या पुलाव वाला चावल लीजिए। और ये प्याज, 3 हरी मिर्च को लंबे शेप में काट कर लिया है, 1 बड़े चम्मच भर करके घी लिया है, ये थोड़ी सी दालचीनी और तेज पत्ता, 5-6 काली मिर्च और 5-6 लौंग और थोड़ा सा सादा सिंपल जीरा। अब हम चावल को धो लेंगे अच्छे से। ये हमारे चावल धो करके तैयार हो गए हैं, चलिए चलते हैं गैस की तरफ। आज हम कुकर में पुलाव बनाएंगे, तो जिसके लिए हमने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है और गैस को तेज फ्लेम में जला दिया है। अब हम इसमें डालेंगे घी, ये हम 1 चम्मच लिए हैं बड़े वाले चम्मच में, और ये छोटा वाला चम्मच है, इससे 1.5 चम्मच आ रहा है इसमें, और घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। देखिए घी हमारा गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे दालचीनी और तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग और जीरा, इन सबको भून लेंगे अच्छे से। अब ये हरी प्याज देखिए इस तरीके से चलाते रहेंगे, अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पुलाव आप कभी भी बनाए ना, देसी घी से ही बनाए, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आता है। अब हम चावल डालेंगे, चावल हमने धोकर भी रख दिया था, अब हम इसे अच्छे से चला देंगे, थोड़ी देर भूनेंगे चावल को भी, और गैस को मंदी रखी हुई, अभी तेज नहीं करे हैं। पानी डालेंगे 1 गिलास, और 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी और इसमें ऐड करेंगे। हमने 1.5 गिलास चावल लिया था और 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और गैस को तेज कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे 2-3 सीटी आने तक पका लेंगे और गैस को तेज कर देंगे। ये हमारा कुकर 3 सीटी दे दिया था, गैस को हम बंद कर दिए थे और कुकर को थोड़ी देर तक ठंडा होने के लिए रख दिए थे। अब हम खोल करके चेक करेंगे कि हमारा पुलाव अच्छे से पक गया है कि नहीं। हम इसे चलाएंगे, ये देखिए कितना खिला खिला, बिल्कुल अलग अलग बना है हमारा चावल। हमारा ये घर का चावल है इसलिए छोटे छोटे से दिख रहे हैं, आप मार्केट से लेंगे तो लंबे लंबे चावल रहते हैं। ये देखिए कितना खिला खिला बना है हमारा पुलाव। अब चलिए हम चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। पुलाव को हमने सर्व कर दिया है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर ट्राई करिए।